तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं फ्री फायर के लॉरा कैरेक्टर के एबिलिटी के बारे में, यानी कि इसका स्किल क्या है, इसका काम क्या है, और अगर आप इसे यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इस कैरेक्टर का असली जो एबिलिटी है वो क्या है, इसका जो मेन काम है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे बंदे आपको सिर्फ यहाँ पर जो पढ़कर लिखा रहता है उसको बता देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको गेम के अंदर टेस्ट करके दिखाऊंगा और एकदम गहराई से आपको बताऊंगा कि इसका एबिलिटी सच में क्या काम करता है। और आप अगर इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसे खरीदने के बाद फायदा मिलेगा या नुकसान, आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ। और ये जो कैरेक्टर है इसका एबिलिटी थोड़ा चेंज भी हो गया है अपडेट के बाद, ठीक है। तो बस आपको इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना है। तो चलो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इस कैरेक्टर के थोड़े से स्किल के बारे में, एंड उसके बाद सीधा मैं गेम में चलूंगा क्योंकि गेम में ही आपको अच्छे से समझाते बनेगा। तो ये जो कैरेक्टर है एक पैसिव कैरेक्टर है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर लिखा है पैसिव कैरेक्टर। पैसिव कैरेक्टर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पैसिव का मतलब है कि जैसे आप गेम के अंदर ऑलोक को चालू करते हैं और जो कोरोना होता है उसको चालू करते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जैसे स्काइलर, इसको चालू करना पड़ता है बटन दबा के, बट जो पैसिव कैरेक्टर होता है उसको चालू नहीं करना पड़ता, ये हमेशा गेम के अंदर चालू ही रहते हैं, मतलब इसका स्किल हमेशा परमानेंट चलता ही रहेगा। तो ये होता है पैसिव का मतलब। और अगर हम बात करें इसके स्किल के बारे में, तो इसका जो स्किल है वो गन से रिलेटेड है, यानी कि बंदूक से रिलेटेड है। ये जो बंदूक का एक्यूरेसी होता है ना, उसको ये 50% बढ़ा देता है जब आप स्कोप में किसी बंदे को मारते हो। इसका सिंपल सा मतलब आप समझ लो, जैसे आप किसी बंदे को किसी गन से मारोगे, स्कोप वाले गन से, मतलब स्कोप ओपन करके मारना रहता है, तो आप कंटिन्यू मारते रहोगे ना, तो गोली जो है ना इधर उधर लेफ्ट राइट घूमते जाएगा, मतलब सीधा पहले तो सीधे में शुरू शुरू पड़ेगा, लेकिन बाद में जो गोली रहता है ना वो बंदे के अगल बगल से गुजरने लगेगा, पड़ेगा नहीं, तो उसी को कंट्रोल करेगा और बंदे में सीधा गोली को भेजेगा। तो बस इसका सिंपल सा यही मतलब है। अब चलते हैं सीधे गेम के अंदर, गेम के अंदर ही आपको असली समझ में आने वाला है। तो मैं चलता हूँ सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड पे। तो अभी मेरे पास है लॉरा कैरेक्टर और मेरे पास है यार दो गन, एक तो AK-47 जो कि बहुत ज्यादा रिकॉइल करता है, मतलब वही इधर उधर गोली जाता है, और दूसरा है यार ये M4A1 जो कि आपको पता ही होगा। अब मैं आपको कुछ और भी चीजें बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हर गन का ना अपना अपना एक एक्यूरेसी होता है, मतलब अगर आप इसको यूज करोगे M4A1 को तो ये लंबे टाइम तक किसी बंदे को ऐसे मारेगा। जैसे देखो स्कोप ओपन किया, मैं फायर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर 40 बुलेट है मेरे पास और मैंने स्कोप को चेस्ट में रखा है। अब देखो मैं कंटिन्यू फायर कर रहा हूँ, अभी देखो गोली एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पर का जो लाइन है ना, अब इसको ध्यान से देखना, एक समझ लो दिमाग में एक लाइन बना लो इस रेड डॉट से यहाँ का, देखना मतलब जो गोली मारूंगा ना वो सीधा यहाँ से ऐसे एकदम सीधा लाइन बनाते हुए जाएगा, बट बाद में इधर उधर होते जाएगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैं फायर कर रहा हूँ और उसके बाद देखो अब यहाँ पर देखो कैसे होने लगा, ठीक है, एक बार चलो हम और देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से स्कोप ओपन किया और उसके बाद मैं कंटिन्यू फायर कर रहा हूँ, देखो अभी सीधा जा रहा है गोली, अभी देखो लाइन बना हुआ है, अब देखो कैसे इधर उधर हो रहा है, कैसे इधर उधर हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं रिकॉइल, और इसी को लॉरा कंट्रोल करती है, मतलब सीधा भेजती है। अभी देखो कितना लंबा टाइम तक सीधा बंदे को पड़ा, लेकिन कोई दूसरा कैरेक्टर होता तो शुरू में ही मतलब उसका इधर उधर गोली जाने लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर AK का देख लो, AK में और भी ज़्यादा होता है क्योंकि हर गन का अपना अपना रिकॉइल का ये सिस्टम रहता है, किसी गन में शुरू में ही बहुत ज़्यादा होता है, किसी गन में बहुत ज़्यादा टाइम के बाद रिकॉइल चालू होता है। तो यही जो रिकॉइल है इसको कंट्रोल करता है लॉरा। और यहाँ पर फिर से हम इसमें देख लेते हैं, ये देखो अभी चल रहा है और अब देखो कैसे रिकॉइल होने लगा, जबकि मतलब M4A1 से तो कितना ज़्यादा मतलब पहले ये रिकॉइल हो जा रहा है। तो ये गन का अलग अलग मतलब गन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये जो लॉर है ये ओवरऑल सभी गन के ऊपर काम करेगा, सभी गन का जो रिकॉइल का प्रॉब्लम है इसको फिक्स करेगा। तो इसके स्किल के बारे में आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसको कैरेक्टर से कंपेयर करके बताऊंगा कि दूसरा कैरेक्टर में कितना रिकॉइल हो रहा है, इसमें कितना रिकॉइल हो रहा है, फिर उसके बाद आपको मैं इसके फायदे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस देख लो, यहाँ से यहाँ की दूरी में हूँ, क्योंकि पास में रहोगे तो गोली का डैमेज ज़्यादा जाता है, दूर में रहोगे तो कम आता है, ठीक है। तो यहां पर हूं मैं, और आपको पता होगा पैर में मारने से डैमेज कम आता है जबकि चेस्ट में मारने से ज्यादा आता है, ठीक है। तो यह सब चीज आपको मेरे ख्याल से पता होगा, तो इसीलिए मैं यहां पर सीधे पेट में मारूंगा। और अभी एक और गन से मैं टेस्ट करूंगा एक दूसरा कैरेक्टर से, उसका भी मैं सेम यही रखूंगा, ठीक है। और मेरे पास कोई दूसरा स्किल नहीं है, बस यही कैरेक्टर है M4A1 जो है वो है, मैं कोई चेंज नहीं किया। अब मैं यहां पर कंटिन्यू फायर करूंगा और कितने गोली में रिकॉइल होना चालू होगा आप देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। 40 गोली है और मैं यहां पर फायर करना चालू कर रहा हूं, अभी देखना कैसे सीधा लाइन रहेगा, ये देखो सीधा लाइन जा रहा है और उसके बाद अब यहाँ पर रिकॉइल चालू हुआ, मतलब कि मान सकते हैं कि 17 गोली बच रहा है, उसके पहले जो भी गन था वो एकदम सही जा रहा था, मतलब जो भी गोली था वो सही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 17 या 18 बुलेट बचता है उसके बाद पूरा रिकॉइल होना चालू हो रहा है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ,
यहाँ पर मैंने स्कोप ओपन किया, अब ध्यान से भी देखना, अभी सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है एकदम। और अब देखो रिक्वायर चालू हुआ, मतलब 17 या 18 के बाद से ये रिक्वायर होना चालू हो जा रहा है। एंड वही पर अगर हम बात करें AK-47 का, तो AK-47 में और ज़्यादा होगा। मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये नहीं दिखा रहा फिर से कि कितने डैम ये कितना रिक्वायर कर रहा है। आपको पता चल गया कि M4A1 में लगभग 18 गोली के बाद से बस रहा है, तो 18 गोली तो उसके बाद से रिक्वायर होना चालू हो जा रहा है। अब AK में आप देख लो, फिर दूसरा मतलब दूसरा करेक्टर में यही चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा AK में कितना से हो रहा है। यहाँ पर देखो ये कंटिन्यू फायर हुआ और अब रिक्वायर चालू हो गया, 30 गोली में ये रिक्वायर हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं सीधा करेक्टर चेंज करके यही चीज करके दिखाता हूँ। तो अब मैंने आलोक करेक्टर ले लिया है और इसमें कोई अलग सा मैंने स्किल ऐड नहीं किया है, गन भी वही है, स्किल भी इसका वही है। और आपको मैं ये बताना भूल गया कि जैसे देखो गन का स्किन के ऊपर भी रहता है कि कौन सा गन है, मतलब उसका रिक्वायर क्या रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आप अटैचमेंट देखते हो ना गन के अंदर, ये भी डिपेंड करता है कि रिक्वायर कितना करेगा। अगर ये नहीं रहता ना, ये जो अटैचमेंट देख रहे हो ये नहीं रहता, तो रिक्वायर और भी ज़्यादा करता है। बट मैं दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, दोनों में बिल्कुल सेम है। मैं कोई यहाँ पर चीटिंग नहीं कर रहा, आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको इसको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद टेस्ट कर रहे हो आपको पता नहीं रहेगा और आप बाद में मुझे बोलोगे कि यार ये तो आपने मतलब बताया नहीं था। तो चलो मैं सेम डिस्टेंस पे आ गया और मैं फिर से स्कोप ओपन करता हूँ और हम पेट पे फिर से वार करने वाले हैं एक बार। और यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि अब ये कितने गोली बचने में ये मतलब जो है रिक्वायर चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फायर स्टार्ट किया और यहाँ पर रिक्वायर चालू हो गया, 26 में रिक्वायर चालू हो जा रहा था, मतलब 26 गोली बचा है उसके बाद पूरा रिक्वायर होना चालू हो रहा है। एक बार फिर से देख लो, मैं वहीं पर मार रहा हूँ और ये देखो कंटिन्यू पड़ रहा है और ये रिक्वायर चालू हो गया, 25-26 इतने में रिक्वायर चालू हो जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और लॉरा में जा रहा था लगभग 18 या 17, ठीक है। तो चलो मैं AK-47 में टेस्ट करता हूँ, मतलब AK-47 में लॉरा में आपने देखा यार लगभग 30 के आसपास में था और इसमें देखते हैं कितने में जाएगा ये। और ये चल रहा है रिक्वायर स्टार्ट 35 में, देखो भाई 35 में, उसमें 30 में 30 तक मतलब उसमें चल रहा था, एकदम बढ़िया से चल रहा था मक्खन की तरह, 30 के बाद जो है गोली इधर उधर भाग रहा था, लेकिन इसमें 35 में ही इसका हालत ख़राब हो गया ये देखो। और ये रिक्वायर स्टार्ट 35 में, अगर ये चलते रहे मतलब ना यार वही मैं आपको बता रहा हूँ, लॉरा जो है और 50% आपका एक्यूरेसी बढ़ा देगा, मतलब कंटिन्यू आप फायर करते रहोगे गोली उधर उधर जाएगा नहीं, लेकिन ये जो करेक्टर है ये पहले से ही मतलब रिक्वायर होते रहेंगे, लेकिन लॉरा जो है ज़्यादा लंबा टाइम तक चलाएगा। अभी आपको कंपेयर में तो साफ साफ पता चल गया, नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताता हूँ, ठीक है, इसका फायदा क्या है, फायदा समझ लो उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो करेक्टर है फ्री फायर में पहले एकदम ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब पहले ठीक ठाक था, मीडियम लेवल का था, बट अभी इसका जो यूज़ है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों पता है? क्योंकि इसका जो एबिलिटी है वो बढ़ा दिया गया है, 50% हो गया है, पहले काफ़ी ज़्यादा कम था, अभी इसको बढ़ा दिया गया है, तो इस वजह से इसका जो यूज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ गया। तो अब मैं इसके फायदे के बारे में बता रहा हूँ। फायदा कुछ ऐसा है इसका कि जब आप किसी बंदे को मारोगे स्कोप से, ठीक है, दूर में रहेगा स्कोप से मारोगे, तो आपको पता होगा स्कोप में मारोगे तो कंटिन्यू मतलब मारते रहोगे तो रिक्वायल होता है, मतलब गोली उधर उधर जाता है, हमको फिर से बीच में रुकना पड़ता है और फिर से मारना पड़ता है, एक ही बार में एक ही स्प्रे में मरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अगर आप लॉरा कैरेक्टर का यूज़ करके ऐसे स्कोप में मारोगे तो फायदा ये मिलेगा कि कंटिन्यू वो बंदा मान लो इधर उधर लेफ्ट राइट घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तब भी उसको गोली जो है बॉडी में कंटिन्यू पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि लॉरा जो है सीधा मतलब बॉडी में कंटिन्यू फायरिंग करती है, गोली इधर उधर भागती ही नहीं उसमें। आपने देखा भी है, मैं टेस्ट भी करके दिखाया हूँ, तो वही फायदा आपको मिलेगा। और जब कंटिन्यू बॉडी में पड़ेगा तो पहली बात तो बंदा जल्दी मरेगा इसलिए क्योंकि उसको ज़्यादा डैमेज लगेगा, क्योंकि कंटिन्यू उसमें गोली मतलब पड़ते जाएगा। लेकिन वही दूसरा कैरेक्टर रहेगा, मान लो बंदा एक जगह बैठा है तब तो ठीक है, अगर इधर उधर भाग रहा है तो गोली उसको पड़ेगा ही नहीं, इधर उधर भागेगा तो। और उसके बाद मान लो एक जगह खड़ा भी है तब भी बहुत से ऐसे गन है जो तुरंत से रिक्वायर करने चालू कर देते हैं, तो आप क्या करोगे, फिर से आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन लॉरा कैरेक्टर है तो कंटिन्यू फायर करते रहो तो मर ही जाएगा, मतलब कोई चांस ही नहीं है बचने का, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और मेरे ख्याल से इसके साथ कोई आपको ऐसा गन यूज़ करना चाहिए जो रिक्वायर कम करता है, एकदम रेट ऑफ फायर जबरदस्त रहे, एकदम सुपर फास्ट धड़ाधड़ गोली निकलना चाहिए, और उसके बाद जो है ना यार उसका एक्यूरेसी जो रहता है ना वो एकदम सही होना चाहिए। तो वैसे में अगर आप लॉरा को इसमें ऐड कर देते हो तब तो फिर एकदम दमदार गन बन जाएगा, वो जो गन है एकदम पावरफुल गन बन जाएगा, किसी भी बंदे को आप एकदम आसानी से मार पाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि ये करेक्टर अभी के टाइम में फ्री फायर का एक बेस्ट करेक्टर बन गया है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए, मुझे ये करेक्टर बहुत पसंद आया। बाकी अब अपना बताओ आपको क्या समझ में आया, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।